करेगा स्मगलिंग। मैं फिर कहता हूँ मैडम, मुझे यहाँ से निकल जाने दो। अच्छा, मतलब तू कह रहा है और मैं सुन लूँ, मतलब हम ब्रदर्स इन क्राइम हो रहे हैं, पार्टनर्स, कि जो तू कहेगा मैं सुन लूंगी। मुझे सजा करवा के आपको क्या फायदा होगा? आप अगर मेरा साथ दे तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। नीचे नीचे हाथ। ऑब्वियसली हैं, नमन ने रिश्वत दे रहा है तू बेटा, 10 साल की लगेगी कम से कम। मुझे सजा कराने के बाद मैडम ये मत सोचना कि तू बच जाएगी, मेरे दो भाई हैं, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे। तेरी तो साले। जब से मैं इस चौकी में आया हूं तब से मैं ये नाटक देख रहा हूं, लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हो गया सर, क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, सर जी ने रात मेरी चौकी पे ड्यूटी लगाई थी और रात में ड्यूटी पे नहीं आया, बस। बस। और ये मुझे जुए के अड्डे पर मिला, जुए के अड्डे पे। बोलिए चंद्रमुखी जी, ये गलत है कि नहीं? सरासर गलत है सर। यस, इसीलिए मैं इस बुढ़ाव को 6 महीने के लिए सस्पेंड। सर मैं क्या कह रही हूँ सर, इसकी गलती ना है सर, यो इसमें मतलब कम्प्लीटली इसकी गलती ना है, यो बीमार है सर। बीमार हो रही है? यस सर। हट्टा कट्टा हरा भरा सांड दिख रहा है, वो भी चर्बी वाला, कहाँ से बीमार दिखता है ये बुढ़ाव? इसे फरगेटिया है सर। क्या? फरगेटिया। ये क्या होता है? हाँ जी, ये क्या होता है? सर यो सर, एग्जैक्टली सर, सर ऐसा है, यो एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान आदमी जो है भूल जावे, मतलब उसे याद न रहती बातें, मतलब इम्पोर्टेंट चीजें। फॉर एग्जांपल सर, एक हफ्ते पहले जो है, पिछले हफ्ते इसने जो है किसी और की बीवी को अपनी बीवी इसने जो है समझ लिया और उसे पीटी आया। मोहल्ले के जो है सबसे शरारती लौंडे को इसने अपना बेटा समझ लिया और इसकी स्कूल की फीस भरी आया ना। सिमिलरली मन ने देखे है कि यो जो है ना जुए के अड्डे को इसने ये पुलिस स्टेशन समझ लिया होगा, इसलिए सर यो गलती से वहां पाया गया। ओह, लाइक दैट? यस सर। मुझे ये बात पता नहीं थी। मुझे भी नहीं पता था। क्या सर? एग्जैक्टली सर, फॉरगेटिया। इलाज कराओ, बुढ़ाओ का इलाज कराओ। यस सर। साले युधिष्ठिर के भांजे जुएड़ी सकुनी मामा। शर्म कोई ना आ रही है, है? ना कितना झूठ बुलवाएगा हमारे से। आगे सुनाओ ऐसी गलती। सॉरी सॉरी मम्मी जी। गुलगुले कहाँ हैं? नहीं, हम दोनों भी कर रहे हैं कब से गुलगुले का वेट। मैडम प्लीज लेट। ओके बाय। अरे ले लिए चुंबन टॉकीज के कॉर्नर सीट के 2 टिकट ले लिए, अब आज शाम चल के देखेंगे अटरिया पे लोट। मैडम नाइस फोन यार। थैंक यू मैडम, वेरी गुड न्यू मॉडल। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कैसे नोवा हो रहा है तू भोजपुरी सिनेमा का? आप गलत समझ रही हैं मैडम, मतलब मैंने टिकट लिए हैं 2, लेकिन अपने लिए नहीं, वो मेरी एक पड़ोसन है मुन्नी मिश्रा, उसे 2 टिकटों की जरूरत थी फॉर द फिल्म मटरिया पे लोटन कबूतर, तो उसके लिए खरीदे हैं मैंने। इट्स जस्ट सोशल सर्विस आई एम डूइंग। पुलिस की सर्विस में कोई ऐसा काम कराया तैने जिससे जो है मन ने खुशी होगी? हाँ यार, हमारे जो है हवलदार गुलगुले ने बढ़िया काम कराया, नाम रोशन कराया है, या कानून को दिखे कि गुड, वेरी गुड हवलदार गुलगुले, कोई एक काम गिनवा दे। हाँ वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा एक काम तैने अगर ना गिनवाया ना बेटा, तो यो वर्दी अपने आप उतार दियो, तुड़ियागंज के चौराहे पे भुट्टे बेचने का बिजनेस करेगा तू, नलायक भर रखे है चौकी में। नमस्ते मैडम। बोला तो बोला क्या? अबे दिख ना रहा है, दीदे फूट गए थारे, ना काम कर रही हूँ, साइड में हो लो, चलो बैठ लो जाके। अरे मैडम आप हमें वहाँ ना बिठाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें वहाँ बिठाएं और हमारा दिल ही बैठ जाए नहा के निचोड़ के।
बॉस मैडम जैसा कह रही है ना वैसा करो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का भुट्टा भून गया ना तो एक नंबर की चुड़ैल, मेरा मतलब एक नंबर की राक्षसनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? ना यही खड़ा खड़ा जो है पर्यायवाची बोल ले तू। यो फाइल ले कमिश्नर साहब के ऑफिस देकर निकल यहाँ से। अरे बोल लो यार, के कर दिया? अरे मैडम एक अबला मजबूर गरीब बेटी का बाप क्या कर सकता है नहा के निचोड़ के। बेटी, अरे वीरू किशन अपने आप को संभालो मेरे दोस्त, अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सुमन बिटिया को कौन संभालेगा, वो पट्टू बनवाड़ी या वो चौराहे पे बैठने वाला सल्टू धोबी या फिर वो मक्खन चू समोसे वाला? बोला तो बोला क्या बेटे? अरे ओ इमोशनल ड्रामा, बाबुल की दुआएं, कौन हो दोनों? अब देखिए मैडम, मैं हूँ जे के यानी जय किशन और ये है मेरा दोस्त वी के यानी वीरू किशन। बोला तो बोला क्या? मम्मी जी मैनू लगता है इसकी बेटी ना किसी के साथ भाग गई है। हाँ भाई, जय किशन और वीरू किशन, यो गोपी किशन क्या कह रहा? अरे मैडम भागी नहीं है बल्कि सुहागन बनी, वो मेरे घर पर बैठी है। दरअसल बात यह है कि मेरे दोस्त वीरू किशन की बेटी की शादी आज से 5 साल पहले टिमरकन टोला में हुई थी और अब 5 साल के बाद जब उसके गौने के सामान से लदा हुआ ट्रक उसके ससुराल जा रहा था, क्योंकि उसके ससुराल वालों से ऐसी बात हुई थी कि एक बार गौने वाला ट्रक उनके घर पहुंच जाए उसके बाद वो वीरू किशन के घर आके इसकी बेटी की विदाई करके ले जाएंगे। बोला तो बोला क्या? तो ना आ रहे ससुरे? अरे ये बात नहीं है मैडम नहा के निचोड़ के, बल्कि ये बात है कि मेरी बेटी के गोने के सामान से भरा ट्रक जो है वो एक गुंडे दगड़ू दबंग ने रास्ते में रोक लिया और उसे अपने अड्डे पर ले गया है। मैडम मैडम अगर वो ट्रक नहीं छोड़ा तो मेरी बेटी। अरे अपने आप को संभालो। देखिए मैडम, एक आप ही सहारा बची है हमारे लिए, एक आप ही है जो उस दगड़ू दबंग के अड्डे से वो ट्रक छुड़वा के मेरे दोस्त वीरू किशन की बेटी के ससुराल यानी कि टिमरकन टोला पहुंचा सकती है। बोला तो बोला क्या? भाई ऐसा है डैडी बेटे, टेंशन लेने की जरूरत ना है, ना मैं भी किसी की बेटी हो रही हूँ और मारे जिंदा रहते ना एक छोरी की विदाई ना हो ना ऐसा मैं होने ना दूंगी। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है लेकिन फिर भी कहीं नहीं जाती है? ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है फिर भी कहीं नहीं जाती है, ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल ऐसी एक चीज है। क्या चीज है? सीढ़िया। बादाम खाओ बादाम, दिमाग के लिए अच्छा होता है। नाची। तेरी। तुम में से दगड़ू दबंग कौन से? मैं हूँ दगड़ू दबंग, नाच नाच के। चल एम्बुलेंस खड़ी है इसमें बैठ ले। लेकिन मैं तो ठीक ठाक हूँ नाच नाच के। भाई ठीक ठाक तो अभी है, मैं जो है ना सर से लेकर पांव तक सारी बॉडी में जितनी हड्डियां हैं उतनी तोड़ दूंगी आज। और अगर तो तू ऐसा ना चाह रहा हो एक्टिविटी तो सराफत से विद अ स्माइल ऑन योर फेस चुपचाप एम्बुलेंस में जाके बैठ जा, चल। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर नहीं कि तुम एम्बुलेंस साथ में लेकर आई, क्योंकि दगड़ू दबांग के अड्डे पे जो भी पुलिस वाला आता है वो अपने पैरों पे चल के जरूर आता है लेकिन जाता है एम्बुलेंस से नाच नाच के। भाई लोग अब इंस्पेक्टर की हड्डी तोड़नी है नाच नाच के, नाच नाच के। जुले ले वाट वाट हट। चल इब नाचते नाचते एम्बुलेंस में जाके बैठ। yeah!
हेलो हेलो, लाल रंग का एक ट्रक जिसका नंबर है UP04EK1113 जो कि टिमरकन टोला की ओर बढ़ रहा है, उसमें स्मगलिंग का सामान भरा हुआ है। तुम कौन बोल रहे हो? पुलिस का शुभ चिंतक। आ, आ। अब आएगा मजा नहा के निचोड़। अब स्मगलिंग के जुर्म में फंसेगी चंद्रमुखी और जाएगी जेल। हमारे भाई को जेल करवाई थी उसने, अब जाके पूरा होगा हमारा बदला। बोला तो बोला क्या? हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, अभी फोन पर ये इन्फॉर्मेशन मिली है सर। मैडम ने मुझे एक हफ्ते का टाइम दिया था ना, मैं एक दिन में मैडम को दिखा दूंगा कि पुलिस के काम में भी मैं बहुत अच्छा हूँ, नंबर वन हूँ। वेरी गुड गुलकुली, वेरी गुड। हमें फॉरन टिमर कंटोला चेकनाका पहुंचकर उस ट्रक और उस ट्रक को चलाने वाले ड्राइवर को पकड़ना चाहिए। लेट्स गो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है, ऐसी कोई ट्रक नहीं आने वाली। अरे सर थोड़ा सबर कीजिए सर। आप सर, सर लगता है ये वही ट्रक है सर। कहा? अरे सर यहाँ सर। ओह ब्रेक बोलो, ब्रेक। चंद्रमुखी जी आप? अरे गुलगुले सर, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? अरे मैडम हम तो वो, लेकिन मैडम इस ट्रक में आप? अबे टिमरकन टोला जा रही हूँ, क्यों ना कोई तकलीफ हो रही है तेने? नहीं नहीं, दरअसल हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस ट्रक में स्मगलिंग का माल है। स्मगलिंग? सर फिल्म बन रही है यहाँ कोई? बोड़मपंती की बातें कर रहे हैं, स्मगलिंग का माल लेके जाऊंगी मैं? सर छोरी के गोने का माल है, इस ट्रक में लेके जा रही हूँ टिमरकन टोला। सर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, ट्रक में स्मगलिंग का सामान है, ये देखे सर। गुलगुले गुलगुले, नहीं सर, सर चंद्रमुखी जी आपने क्या किया? मुझे माफ करना चंद्रमुखी जी, मैं मजबूर हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। अबे चुप हो जा यार, एक तो मैं वैसी परेशान हो रही हूँ, ऊपर से तू बिल्कुल ही ग्राई पॉटर पिया हुआ चिल्ड्रन हो रहा है यहाँ। चंद्रमुखी जी आपने ऐसा क्यों किया? हाय हाय, मेरा मन मानने को तैयार नहीं कि आप एक स्मगलर हो, क्यों क्यों? सर सर मैंने ऐसा हो सकता है कि मैंने ऐसा करा हो? सर मैंने यो जो है बीरू किशन के कहने पर करा, उसने हमारे से कही कि उसकी बेटी के गोने के सामान से भरा हुआ ट्रक जो है दबड़ू दबंग ने जब्त कर लिया है। एक तो मैं उसके अड्डे पे गई, उसके आदमियों को सूता, वो ट्रक वहां से बरामद किया, और टिमरकन टोला जो है उसकी ससुराल छोड़ने जा रही थी, तो आपने जो है मन ने धर लिया। अब मन ने के बेरा कि ट्रक में जो है स्मगलिंग का सामान है, गोने का ना है। सर मन ने सारी बातें क्लियर हो गई हैं, यो जय बीरू की जो है चाल है सर, इट्स अ स्कीमिंग प्लान अगेंस्ट मी। एनीवेज उन दोनों को तो मैंने यहां बुला लिया है, अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ओके आइए आइए। कानून को हाथ में मत लो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भाई इंस्पेक्टर साहब, हमें यहाँ बुलाया, बोला तो बोला क्या? देखो इनका कहना है कि जो स्मगलिंग के माल के साथ ट्रक पकड़ा गया है वो तुम लोगों का है, उसमें तुम्हारी बेटी के गौने का सामान था। अरे एकदम झूठ, बिल्कुल झूठ है भाई, नहा के निचोड़ के भाई, हम दोनों में से तो किसी की शादी नहीं हुई है, तो फिर ये बेटी कहां से आई नहा के निचोड़ के? अरे साले,
प्लीज सब क्या है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, बोला तो बोला क्या? अरे हम इस चौकी में आए जरूर थे, पर इस बात की एफआईआर लिखवाने के लिए कि हम दोनों की पॉकेट मारी गई है। बोला तो बोला क्या? वो तेरी झूठ मत बोल वरना यही फाड़ के रख दूंगा। सर, मम्मी जी जो कह रही है वो सच कह रही है, मैं वहां मौजूद था, मैं इस बात का गवाह हूँ। सॉरी गोपी, तुम्हें भूलने की मतलब फगेटिया नाम की बीमारी है, नहीं तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी। सर आपको इनकी बात पे विश्वास हो रहा है? हमारी बात पे यकीन कोई ना है? चंद्रमुखी जी, कानून सबूत की बैसाखी पर चलता है, कानून अंधा है। आप स्मगलिंग के माल के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आई एम हेल्पलेस। फर्स्ट टाइम किसी केस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो कानून सिखा रहे हैं बनने। और तू, अबे तू तो कुछ बोल ले, तू भी तो मौजूद था वहीं। अरे मैडम, जब ये लोग आए थे तब मैं चौकी में था, लेकिन फिर आपने मुझे वो फाइल देने के लिए कमिश्नर साहब के पास भेज दिया था ना मैडम, इसलिए आप लोगों के बीच क्या बात हुई वो तो मैंने नहीं सुनी ना। लेकिन मैडम, आई बिलीव यू मैडम, मैं आपके साथ हूँ मैडम, मैं आपके साथ हूँ। सर, मम्मी जी को कोर्ट ले जाने का टाइम हो गया है। अबे तू घना टाइम का पाबंदी हो रहा है। I'm sorry. चलिए। अरे बोला तो बोला क्या? नहा के निचोड़।